हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ चुका हूँ फिर से एक और धमाकेदार वीडियो। आज का वाला वीडियो बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारा गाइज जो रेड डॉट जो क्रोसियर होता है उसे हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा अपडेट के बाद में नया फीचर देखने के लिए मिला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हमें तीर पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी है। और गाइज नीचे की तरफ हमें एक स्कोप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, स्कोप पे क्लिक करके स्कोप को ओपन कर लेना है। तो गाइज इस तरीके से हमारा जो स्कोप है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें रेड डॉट देखने के लिए मिल जाता है। हमें सिंपल तरीके से रेड डॉट पे क्लिक करना है। तो गाइज इस तरीके से हमारा जो रेड डॉट है वो पूरी की पूरी रेड डॉट की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। और गाइज यहाँ पे हमें क्रोसियर देखने के लिए मिल जाते हैं और हम अपने हिसाब से क्रोसियर को सेट कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो हमारी बिंदी है पहले से ही आती है। और गाइज यहाँ पे हमें बहुत सारे क्रोसियर देखने के लिए मिल जाते हैं और ऊपर से हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइज सबसे बेस्ट जो क्रोसियर है ये है, और गाइज यहाँ से अपने क्रोसियर को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।